शुद्ध शाकाहारी भोजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए होटल स्टाइल भिंडी की मसालेदार टेस्टी सी चटपटी सी रेसिपी लेकर के आए हैं। वैसे तो इस रेसिपी के बारे में आप पहले से जानते होंगे, लेकिन आज हम आप इसको बनाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका शेयर करने वाले हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी पराठे के साथ खाएंगे। बेहद ज़्यादा मसालेदार, स्वादिष्ट चटपटी बहुत ही अच्छी लगती है और घर के मसालों से बनाई जाती है, तो ये नुकसानदेह भी नहीं होता है। सारी चीज़ें बिल्कुल आयुर्वेदिक मसाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। छौंक में 1 छोटी चम्मच पचफोरन डाल दिया हमने, थोड़ा लाल हो जाए ये तेल में। सबसे पहले हम भिंडी डाल रहे हैं और भिंडी को एक बड़ी भिंडी में दो दो या तीन तीन शेप करके हमने काटा हुआ है। 1 किलो भिंडी लिया हुआ है हमने। मात्रा इसलिए बता देते हैं क्योंकि जितना भिंडी हम लेते हैं उसी हिसाब से मसाले को डालते हैं, तो आप भी बिल्कुल उसी हिसाब से मसाले अपने भिंडी की क्वान्टिटी के अनुसार डालिएगा, वरना अगर हमारे हिसाब से लेंगे तो मसाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मसाला भी अच्छा नहीं लगता है। आधे मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम में भिंडी को पहले थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज करेंगे। और अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप बेसन। ये बेसन घर का पिसवाया हुआ बेसन बिल्कुल शुद्ध चीज़ है। वैसे अगर आपके पास मार्केट का है तो भी कोई बात नहीं है, घर का पिसा हुआ है तो बिल्कुल एकदम विश्वासदेह होता है, सारी चीज़ें एकदम ओरिजिनल होनी चाहिए। 1 मिनट तक इसको हमें पहले भूनना है और 1 कप में से अभी हमने आधा कप ही इसमें ऐड किया है। थोड़ा देर इसको मिला लेते हैं और मिला लेने के बाद इसको देखेंगे कि और भी इसमें बेसन की आवश्यकता है या नहीं। अगर पड़ेगी तो फिर इसमें डाल देंगे, तो पूरा 1 कप हो जाएगा। थोड़ी सी और बेसन, यानी पूरा टोटल 1 कप हमने बेसन डाल दिया 1 किलो भिंडी में। अच्छे से इसको हम भून लेते हैं और हल्का सा कलर चेंज कर ले, अच्छी से खुशबू आ जाए इसमें से। भिंडी के साथ हमने बेसन को अच्छे से भून लिया है पूरे 1 से 2 मिनट तक और ये हमने निकाल दिया अलग बर्तन में। अब उसी कढ़ाई में हम तेल थोड़ा सा डाल दिए हैं और 3 बारीक कटी हुई प्याज को डाल देते हैं। ये अब हम मसाले तैयार करते हैं सब्जी के लिए। मसाले में हम क्या क्या डालेंगे उसको आप ज़रूर से देखें। और अब हम मसाले का पेस्ट डाल लेते हैं। इसमें हमने 1 बड़ी चम्मच धनिया, 1 बड़ी चम्मच जीरा, 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च, अदरक, लहसुन, लौंग, इलायची, सारी चीज़ें हमने इसको पीस करके पेस्ट पहले से तैयार करा हुआ था और इसमें हमने डाल दिया है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से, इस मसाले में से। 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, किसी भी ओकेज़न पे, किसी भी चीज़ पे आप बना सकते हैं, बिल्कुल घर पे या फिर ऐसे कोई कार्यक्रम पड़ रहा है तो भी आप बना सकती हैं, या फिर ऐसे भी खाने का मन करता है तो घर इतना इजी है इसको बनाना, बना के खाया जा सकता है। 1 बड़ी चम्मच से लाल मिर्च पाउडर हम डाल रहे हैं क्योंकि हमने पीसने के टाइम में मिर्चे का प्रयोग नहीं किया हुआ था, इसीलिए हमने 1 बड़ी चम्मच डाल दिया। और स्वाद अनुसार सेंधा नमक हमेशा खाते हैं हम, तो हमने वही डाल दिया है। आप भी डालिए सेंधा नमक, अगर स्वस्थ रहना है तो सेंधा नमक खाइए, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल फ़ायदेमंद होता है। बढ़िया से हम मसाले को पहले तो मिला लेते हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। और मसाले को सबसे कम समय में पकाना और इसकी खुशबू बरकरार रहे इसलिए मसाले को ढक दिया जाता है। लो फ्लेम में हम इसको ढकेंगे। लो फ्लेम में हम इसको अब ढक देते हैं आधे मिनट तक। आधे मिनट बाद पूरी टाइम देख करके हम इसको खोले हैं। मसाला अच्छे से एकदम पक चुका है, बढ़िया से कलर चेंज हो चुका है और ऑयल भी निकल चुकी है। आप देख सकते हो, आप लोगों को दिख रहा होगा तेल निकल गया है। तो अब ये बिल्कुल कंप्लीट है, भूज करके तैयार है। अब हम इसमें हम पानी डाल देते हैं 1 गिलास। 1 गिलास से ज़्यादा पानी इसमें हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम भिंडी बहुत ज़्यादा रसेदार ही बनाने वाले हैं। पानी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं ताकि भिंडी मसाले को अच्छे से सोक करे, ऑब्जर्व करे और टेस्टी लगे। फ्राई किया हुआ भिंडी भी हमने डाल दिया। पहले तो हम ऊपर नीचे करके इसको अच्छे से मिला लेते हैं और इसके बाद इसको हम ढक देंगे 2 मिनट तक। इसको हम मीडियम फ्लेम में ढकेंगे। ढकने से ही अच्छे से सेट हो जाता है, सारी चीज़ें अच्छे से एक दूसरे में घुल मिल जाती है और पक जाती है। लेकिन उससे पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, 1 बड़ी चम्मच डाल देते हैं आमचूर्ण पाउडर। अगर आप टमाटर डाल दिए हो तो आमचूर्ण पाउडर मत डालिएगा, लेकिन अगर आप टमाटर नहीं डाले हैं तो आमचूर्ण पाउडर ज़रूर से डालिएगा, इससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए अब इसको हम ढक देते हैं 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। पूरे 1 मिनट बाद इसको हम खोल चुके हैं। 2 मिनट की ज़रूरत नहीं है इसमें क्योंकि
ये ऑलरेडी गाढ़ा हो चुका है मीडियम फ्लेम में ढकने के बाद। 1 मिनट से ज़्यादा इसको हमने नहीं ढका है। ध्यान रखिएगा बीच बीच में खोल करके चेक करते रहिए, क्या 1 मिनट की ज़रूरत है या फिर 2 मिनट की ज़रूरत है या फिर सिर्फ आधे मिनट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि टाइमर लगा दिया तो उसी हिसाब से आप चेक करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। 1 मिनट में ये बन करके तैयार हो गई है। इसको हाई फ्लेम में थोड़ा सा हम चला के उसके बाद गैस को ऑफ कर देते हैं। लीजिए तैयार हो गई है गर्मा गर्म हमारी मसालेदार होटल स्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट घर में बनाया हुआ बिल्कुल देसी पद्धति से बिल्कुल साफ तरीके से बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी, इसी को बोला जाता है कि घर में आप बनाइए फ्रेश फ्रेश खाइए, हेल्दी भी होगा टेस्टी भी होगा क्योंकि टेस्ट तो बिल्कुल वही होता है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। रेसिपी आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर से बताइएगा। ये पसंद आपको आ रही है तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों जिनको भी चीज़ें बनाने नहीं आती या फिर ये चीज़ें नई हैं उनके साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, हमारी ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी आपको हमेशा मिलती रहेगी।